वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप और आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त मैं हूं पारुल त्यागी। आपके एंटरटेनमेंट में लगने वाला है नया तड़का, तो हो जाइए तैयार देखने के लिए कि करण सिंह ग्रोवर की पत्नी विपाशा ने कैसे उन्हें किया बर्थडे विश, घर पहुंची रुबीना का कैसे हुआ वेलकम और कपिल शर्मा एक बार फिर क्यों मीडिया पर भड़के, अभिषेक बच्चन की कौन सी फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हो गया है, साथ ही भाग्यश्री के जन्मदिन के मौके पर हम बताएंगे उनके फिटनेस के बारे में। अभिनेता करण सिंह ग्रोवर आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उनके फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। अभिनेत्री विपाशा बासु ने भी पति को खास अंदाज में शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने करण के साथ एक फोटो शेयर की है। विपाशा ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, साल का ये मेरा दूसरा पसंदीदा दिन है, हैप्पी बर्थडे करण, आई लव यू। बता दें विपाशा और करण इन दिनों मालदीव में हैं और विपाशा अपनी और करण की कई तस्वीरें भी शेयर कर रही हैं। एक्ट्रेस रुबीना दिलेक बिग बॉस 14 की विनर बन गई हैं और अब जब रुबीना बिग बॉस के घर से अपने घर पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। इंस्टाग्राम पर रुबीना ने एक वीडियो शेयर किया और बताया कि घर में उनका स्वागत कैसे हुआ। रुबीना दिलेक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, घर से अच्छा कुछ नहीं, प्यार अभिनव शुक्ला। इसके अलावा रुबीना ने सेलिब्रेशन की कई और तस्वीरें शेयर की हैं। वीडियो में रुबीना दिलेक ट्रॉफी हाथ में लिए दिख रही हैं और वहीं उनकी मम्मी डेकोरेशन करती दिखाई दी। रुबीना डेकोरेशन देख सरप्राइज हो जाती हैं, वो सभी को थैंक यू भी कहती हैं। बता दें कि बिग बॉस 14 के घर में रुबीना दिलेक की जर्नी रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है। उन्होंने खूब एंटरटेन किया, रुबीना को फैंस का काफी सपोर्ट भी मिला। कॉमेडी किंग यानी कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान कपिल व्हीलचेयर पर बैठे एयरपोर्ट से निकलते हुए नजर आए। कपिल शर्मा की व्हीलचेयर पर बैठी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर कपिल के फैंस उन्हें लेकर काफी चिंतित हैं, लेकिन इस दौरान अचानक ही कपिल शर्मा पेपराजी को देखकर बुरी तरह भड़क गए और उन्हें अपशब्द कहने लगे। दरअसल कपिल शर्मा गुस्से में कहते हैं, ओए हटो पीछे, तुम लोग बदतमीजी करते हो। अब कपिल को क्या हुआ है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कपिल की ये बदतमीजी कैमरे में जरूर कैद हो गई है। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन इन दिनों अपने अलग अलग किरदारों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वहीं अब उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म दसवीं से उनका फर्स्ट लुक आउट हो गया है। अभिषेक बच्चन ने खुद फिल्म दसवीं का फर्स्ट लुक शेयर किया है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन का अंदाज पहले से काफी बदला नजर आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के कुछ और कैरेक्टर पोस्टर भी रिलीज किए हैं। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन के साथ यामी गौतम और निमृत कौर भी नजर आएंगी। तीनों के दमदार कैरेक्टर पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गए हैं। अभिषेक बच्चन ने अपने लुक को शेयर करते हुए लिखा, मिलिए गंगाराम चौधरी से, दसवीं की शूटिंग आज से शुरू। बता दें फिल्म में अभिषेक एक एसएससी फेल पॉलिटिशियन के रोल में नजर आएंगे। 1989 में रिलीज हुई फिल्म मैंने प्यार किया ने दर्शकों के सामने मासूमियत भरे चेहरे के साथ एक खूबसूरत अभिनेत्री भाग्यश्री को पेश किया। इस फिल्म के जरिए उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा और रातों रात वो स्टार बन गई। पहले ही फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। आज भाग्यश्री अपना 52वां जन्मदिन मना रही है। इस उम्र में भी भाग्यश्री की खूबसूरती और फिटनेस आज भी वैसे की वैसी है जैसी 32 साल पहले थी। भाग्यश्री सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस वीडियोस शेयर करती रहती हैं। इसमें एक्ट्रेस को देखकर ये कहना मुश्किल है कि वो 52 साल की हो गई हैं। भाग्यश्री के वर्कआउट वीडियोस में अलग अलग तरह के वर्कआउट शामिल रहते हैं। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।